नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नक्षत्र में हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में प्रगति और उन्नति लाएंगे। उन्हीं उपायों को सही विधि विधान से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। आर्द्राम पुष्करणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्म मालिम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवे दो महावा, इस प्रकार से आवाहन वैदिक डिमडिम घोष। और इसी के साथ ही आपका शरीर, आपका वातावरण, आपके ग्रह नक्षत्र इत्यादि बहुत कुछ संकेत प्रतिदिन देते हैं। उन्हीं संकेतों की बात हम करते हैं और उन संकेतों को कैसे पकड़े ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी शरीर के कुछ विभिन्न अंग होते हैं, वो फड़कते हैं, तो लोगों का विचार आता है कि किस प्रकार से इसका क्या फल हो सकता है, क्या ये पॉजिटिव है हमारे लिए, क्या ये नेगेटिव है हमारे लिए। लेकिन इसका आकलन हमारे शास्त्रों में दिया गया है, जैसे कान के फड़कने का इसका मतलब कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। कंधे के फड़कने का राइट हैंड है तो आपको सम्मान जरूर मिलेगा। घुटने का फड़कना ये आभूषण इत्यादि मिलने का, प्राप्त करने का योगादि योग बन सकता है। और अगर राइट साइड का सिर फड़क रहा है तो भी अच्छा माना जाता है। आँखों के फड़कने में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, पुरुषों का दाहिना और स्त्रियों का बाएं हाथ आँख का फड़कना शुभ ही होता है। हथेली का फड़फड़ाना ये भी लाभ की स्थिति, जातक के दाएं पैर तरवे में अगर फड़कन महसूस होती तो ये थोड़ा सा पद अवनति की बात आ सकती है। दाहिने हाथ की कोहनी फड़कती तो किसी न किसी बात का वाद विवाद भी होता हुआ देखा जाता है। ये कुछ संकेत होते हैं, अगर आप पहले पकड़ लें उस संकेत को और उसके अनुकूल आप कार्य करें तो आप कई मुसीबतों से बच भी सकते हैं। तो ये छोटे छोटे संकेत। गुरु जी, अब दर्शकों को बताइए आज की 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मेष राशि वालों, घर के रख रखाव पे आपका और इससे संबंधित कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। रिश्तेदार के वहाँ जाने का या कहीं भी आपका मेल मिलाप का प्रोग्राम बन सकता है। फंसा हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति आपकी सुधरती हुई देखी जा रही है। व्यर्थ के विवादों से आपको खुद को दूर रखना है और आपको पूर्णिमा पे जरूर कुछ न कुछ दान द्रव्य इत्यादि करना है। 6 कांग 3 कांग गुलाबी रंग और नीला रंग शुभ है, आपके लिए ऑप्शंस हैं। मेष राशि वालों, आज आप इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। वृषभ राशि की बात कर लें, पारिवारिक सदस्य से संबंधित या आपके कैरियर से संबंधित कुछ हाल आने की बात, एक आपका कैरियर नए प्रकार से आगे बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती हुई देखी जा रही है। क्या करना है आपको, शिवलिंग पर कुछ नहीं केवल जल चढ़ाना, शुद्ध जल। 9 कांग आपके लिए शुभ है। मिथुन राशि, लव पार्टनर के प्रति आपका आकर्षण बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। अधिक से अधिक समय आप अपने लोगों के साथ, केवल लव पार्टनर ही नहीं अपने परिवार के साथ, दाम्पत्य जीवन में आपकी मधुरता बनी हुई देखी जा रही है। आपके लिए शनि देव को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके लिए योग कारक भी हैं, तो शनि देव की आराधना करिए। नारंगी रंग 2 कांक आज आपके लिए लकी चार। में बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, इस समय ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में बनी हुई हैं। समय को व्यर्थ ना करके महत्वपूर्ण कार्यों को आप करें, फोकस्ड अप्रोच रखें और आप अपने टाइम को एक प्लान्ड वे में आगे, जरूर आपको कोई उपलब्धि विशिष्ट मिलती हुई देखी जा रही है। काले कंबल का दान करना आपके लिए उत्तम है। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद। बात करते हैं सिंह राशि की। भरपूर आत्मविश्वास आप अंदर अपने महसूस करेंगे और इसी के साथ स्थान परिवर्तन की अगर आप योजना बना रहे, विशेष रूप से घर को शिफ्ट करने की, तो आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। आज आप गतिविधियां शुरू भी कर सकते हैं, कुछ विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को आप जरूर इसमें समय व्यतीत कर सकते हैं। 5 कांक हरा रंग आपके लिए शुभ है। सूर्य की राशि के बाद बुध की राशि कन्या। वित्तीय मामलों में चल रहा आपके सारे अवरोध दूर होंगे। मेहनत और कार्य क्षमता पर विश्वास आपको रखना पड़ना चाहिए, आपको अनुकूल परिणाम हासिल भी होते हुए देखे जा रहे हैं। कन्या राशि वालों, कहीं फंसे हुए पैसे की प्राप्ति हो सकती है, आपको लाभ की स्थितियां प्रगाढ़ हो सकती हैं। शुक्रवार के दिन जरूर आपको बच्चों के लिए कुछ
दान पुण्य करना चाहिए। तीन काम केसरिया रंग शुभ है। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, कोई अप्रिय समाचार मिलने से मन खिन्न होगा, लेकिन वो अप्रिय समाचार आपको बिल्कुल डिस्टर्ब कुछ समय बाद नहीं करेगा। मन कुछ समय के लिए क्षणिक उदास हो सकता है। अपनी परिस्थिति को खुद सुधारने की आपको कोशिश करनी चाहिए। अहंकार से आपको आज बचना चाहिए। हरा रुमाल और आपको गणेश जी का ध्यान जरूर, दो चीज़ें करनी चाहिए, रखना चाहिए साथ में। हरा रंग, फिरोजी रंग और दो का अंक आपके लिए शुभ है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, घर में आपको खुशी का माहौल मिल सकता है। कुछ पुराने मतभेदों का आपको निवारण भी प्राप्त होता हुआ देखा जा रहा है। संतान से संबंधित कभी समस्या कोई अगर आपको इधर महसूस हो रही थी, फील हो रही थी, तो आपकी दूर हो सकती है। लगन हिम्मत द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका संपन्न होने वाला है। आपके लिए गुरुवार का दिन बहुत विशेष रहता है, लेकिन आप बुध को भी विशेष रूप से गणेश जी की आराधना करें। गुलाबी रंग तीन का अंक छह का अंक शुभ है। बात करते हैं धनराशि। धनराशि वालों, पिछली गलतियों से आपको सीख, जिन लोगों ने ले रखी है वो तो उनके लिए अच्छा रहेगा। वर्तमान को बेहतर बनाने की आपको कोशिश पुरानी घटनाओं से सीख लेके करनी चाहिए। धार्मिक स्थल पे आप अपना समय कुछ व्यतीत करेंगे तो निश्चित अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग, युवा वर्ग, आपको विशेष रूप से अच्छा प्रभाव मिलेगा। आपके लिए दूध एवं उसके बने हुए पदार्थों का दान लगातार करने से लाभ होगा। पीला रंग तीन का अंक आपके लिए शुभ है, दो का अंक भी अच्छा है। समय का सदुपयोग करें मकर राशि वालों, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि स्वामी डिसिप्लिन बहुत पसंद करते हैं। सुचारू रूप से संपन्न होते हुए चले जाएंगे। खास कार्य को आपको लेकिन स्थगित करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए पूर्ण रूपेण आपकी तैयारी नहीं है। अभद्र भाषा से बिल्कुल बचें या ज़्यादा बोलने से भी बचें। गणेश जी को आप दुर्वा चढ़ाएं, 11 गांठ ओम गणपतये नमः आरती करें, अच्छा रहेगा आपको प्रभाव। कुंभ पे चलते हैं। कुंभ राशि वालों, पूरे दिन आज आपको व्यस्तताओं का सामना करना पड़ सकता है। मित्र के साथ खुशनुमा मुलाकात, यात्रा का प्रसंग भी आपका बन सकता है। आर्थिक गतिविधियों को बेहतरीन तरीके से आप व्यवस्थित करते हुए देखे जा रहे हैं। किसी को लेकिन बिना मांगे कोई सलाह आपको नहीं देनी, ना ही उनके मामलों में कोई हस्तक्षेप करना है। आज आपको हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, शिवलिंग भी आपको पूछना चाहिए। नीला रंग आठ का अंक लगातार आपके लिए शुभ लकी चार्म बना हुआ है। मीन राशि, वैभवशाली आप स्वयं भी हैं, अनुभवी लोगों से आपका संपर्क बना रहे। विशेष समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब आप अनुभवी लोगों के साथ बातचीत करेंगे। मित्रों से आप संपर्क लगातार बनाए रखिए, रिश्ते में आपकी मधुरता रहेगी। आपको शिवलिंग पे जल और इसी के साथ रुद्राष्टक का पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। भूरा रंग चार का अंक आज आपके लिए उत्तम है। गुरु जी, आप दर्शकों को बताइए आज का पंचांग क्या कह रहा है, दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 2 जून 2023 त्रयोदशी तिथि का मान लगा है स्वाति नक्षत्र। तुला राशि पे चंद्र का प्रभाव। शुक्रवार का दिन ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष। शुभ समय 11:51 से 12:46, राहु काल 10:35 से 12:19 तक सिद्ध है। तो आज आपने जाना कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-4036524 पर। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajeshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।